गाइस अभी मेरी गाड़ी देखो चल रही है पेट्रोल पे। दोस्तों जैसे कि आपने देखा था रात में मैं रुक गया था अटला हाउस में, तो रात में आपको दिखाया था 154 किलोमीटर चली थी और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं अभी गाड़ी चली है मेरी 165.9 पैसे के भाई। यहाँ पे CNG रेट है यार, हम जाएगा ना। हाँ जी भाई, CNG भाई की CNG वाली है। हाँ ब्रदर चलिए वाला बेहतरीन। क्या चीज ये कंपनी तो बोलती है 240। हाँ 6 इंजन लगाया है, बड़ा इंजन है काफ़ी, 125 सीसी का, लेकिन पावर अच्छी है। CNG पे पेट्रोल पे हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पता चलता। ठीक है, और भी गाड़ी में पल्सर में यहाँ आता है या किसी में यहाँ आता है, गाड़ी आप खड़ी कर रखिए आपने तो उसको आप ऑफ़ कर दो। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है, बट इसमें एक ऑप्शन ये आता है जैसे ही आपने गाड़ी ऐसे रोकी और आपने साइड वाला स्टैंड किया नीचे, आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। लगा दोगे? लगा दोगे? अरे दुकान पीछे है कोने पे, दिखाया? अच्छा खड़ी करनी है, ओके ओके भाई। मोबाइल होल्डर हैगा आपके पास? कितने का है? बड़ा महंगा दे रहे हो यार। जब कैमरा ऑफ था उस टाइम पे बच्चा दिखा रहा था, अब मैंने दोबारा उसको किया तो वो मुस्कुरा रहा है। स्मूथ ड्राइविंग करने का फ़ायदा क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, देख रहे हैं आप, ये AFE 190। देखा, धीरे धीरे स्मूथ ड्राइविंग करने का फ़ायदा ये होता है कि देखो 19 पे दोस्तों ये चल रही है, 19 पे आ गया, देखो पर के जी शो हो रहा है। इसका मतलब है गाड़ी तकरीबन 110 या 120 का एवरेज दे रही है पर के जी भाई, जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि शो होता है बट इससे ज़्यादा देती है। अभी देखो हमारी गाड़ी चल चुकी है 69.6 किलोमीटर, आपको दिख रहा होगा मीटर में, और अभी भी हमारे 3 पॉइंट्स ऐसे की ऐसे ही हैं, अभी इनमें से कोई भी पॉइंट्स हमारे नीचे नहीं गिरा है। हम कर चुके हैं दिल्ली के अंदर एंट्री, उसके बाद दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा शाहीन बाग के लिए। बाइक पर लगवाऊँगा मैं एक मोबाइल होल्डर यहाँ पर, जो कि मैं अपनी ड्यूटी करने के बाद पार्ट टाइम में चलाऊंगा ओला उबेर एंड रैपिडो एंड पोर्टर, इन सब में मैं अटैच करूँगा गाड़ी को, तो पार्ट टाइम उसमें चलाऊंगा, क्योंकि दोस्तों गाड़ी की EMI भी निकालनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी शाहीनबाग यहाँ से लेंगे हम यूट्यूब पहुँचेंगे अबू फजल, और अबू फजल में जाकर हम डलवाएंगे इसमें एक मोबाइल होल्डर। नोएडा में गया था परचों के बाद, बट यार बहुत कॉस्टली दे रहा था, 250 रुपये का दे रहा था। प्रॉब्लम होगी मुझे, क्योंकि यार मेरे पास एक ही फ़ोन है और इसी से मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और जब मैं उबेर में काम करूँगा तो इसको मुझे होल्ड लगा के रैपिडो में काम करना पड़ेगा। तो इसी के लिए दोस्तों बता दूँ मैं आपको, कुछ दिनों बाद एक फ़ोन मेरे पास पड़ा है, ख़राब है, तो उसको मैं सही कराऊँगा भाई साहब, और उस सही कराने के बाद उसको मैं यूज़ करूँगा अपनी एप्लीकेशंस के लिए, जो कंपनी में काम करूँगा वहाँ वो उसको यूज़ करूँगा, और इसमें मैं यूज़ करूँगा ओला उबेर में चलाऊँगा पार्ट टाइम में, तो वहाँ यूज़ करूँगा, वो लगा रहेगा स्क्रीन पर, मोबाइल यहाँ पर रहेगा वो, इससे मैं करूँगा फिर व्लॉग शूट। और आप लोगों का सपोर्ट रहा आने वाले टाइम में, पैसे वैसे अगर यूट्यूब से आते हैं तो भाई फिर हम लेंगे एक GoPro 13, तो लॉन्च हो चुका है बट हम ले नहीं सकते, तो GoPro हम लेंगे बट थोड़ा टाइम लगेगा उसके लिए, और हम लेंगे एक वायरलेस माइक जिससे कि एक आपको मैं प्रोफेशनल आउटपुट दे सकूँ, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा एटलीस्ट। हालांकि अब तक अगर मैं वीडियो बनाता तो 6 महीने का मेरा ब्रेक हो गया, अगर मैं बनाता कंटिन्यू तो शायद मैं एक GoPro अब तक मैं ले भी लेता दोस्तों, बट क्या करूँ यार थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अभी ये बच्चा आया था एक, जा रहा है, ये लड़का था अभी। जब कैमरा ऑफ था उस टाइम पे बच्चा दिखा रहा था, अब मैंने दोबारा उसको किया तो मुस्कुरा रहा है। गोलू मोलू सा बच्चे अच्छे लगते हैं यार, गोलू मोलू बच्चे। भाई 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 भाई, प्रैक्टिस पर होल्डर है या नहीं है भाई? भाई मोबाइल होल्डर हैगा आपके पास? कितने का है? बड़ा महंगा दे रहे हो यार, 350 का दे रहा भाई।
₹250 का था वो तो वहाँ पर, और बहुत महंगा दे रहा है। जनकपुरी में दे रहा था यार ₹150 का, उसी से डलवाऊँगा। 150 का दे रहा था भाई जनकपुरी में। यहाँ मैं अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट करवाता था भाई, शॉप इससे पूछ के आता हूँ यार। बाइक को ना खड़ी करता हूँ साइड में, को पीछे ले लूँ, कोई नहीं खड़ी कर देते हैं यार, पता करके आता हूँ। उससे मोबाइल होल्डर है, महंगे दे रहे हैं यार यहाँ पर तो। क्या हुआ? अरे दुकान पीछे है कोने पे, दिखाया? अच्छा खड़ी करनी है, ओके 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 ओके। यह मोबाइल होल्डर है आपके पास बाइक का? बाइक का मोबाइल होल्डर कितने का है? नहीं नहीं विदाउट चार्जिंग वाला, चार्ज तो है गाड़ी में। दिखा कितने का है, दिखा दोगे? सोनिक का आएंगे, सोनिक का भाई उधर लगा दोगे? लगा दोगे बाइक लियो? ठीक है। चार्जिंग वाला कितने का आता है इसमें? चार्जिंग वाला कितने का आता है? चलता नहीं है वो ज़्यादा दिन से। तो गाड़ी में चार्जर को दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है लगा दोगे? ठीक है भाई। देखो भाई सोनिक कंपनी का यही सिम दे रहा था ₹250 का। कहाँ दे रहा था भाई? परी चौक पे पीछे दे रहा था भाई ₹350 का। और ये देखो ये दे रहा है बनता ₹150 का। तो इसलिए भाई कहते हैं कि बारगेनिंग करनी चाहिए और जगह जगह ढूंढना चाहिए। एक चीज़ को लो और 10 जगह रेट लेने चाहिए भाई एक चीज़ के। उसे कहा था कि आप लोग एटलीस्ट कुछ पैसे की सेविंग कर सकते हो। ये भाई ठीक है भाई, हाँ बिलो इधर लगाना। कुछ ऐसा है इसमें लगाने का? इसका जो बाकी का सामान है वो भी दे देना, कभी जरूरत पड़ने लगे। ठीक है दूसरी भी लगाने के लिए इसके साथ का ही क्या हुआ था पत्ती सी, वो भी दे देना है, कभी दूसरी बाइक पर लगाने जरूरत पड़ जाए। क्योंकि क्या होता है टूट जाता है कभी कभी। मेटल का ना भैया, ये मेटल का ना? ये कोई भाई सोनिक कंपनी का है ये, और ये पूरा मेटल में है। पहले भी लगवाया था मैंने मेटल में, क्योंकि टूट गया था लेकिन वो, हाँ ये टूट गया था पीछे वाला। ये यहाँ लग जाएगा क्या? ये आएगा ना, ये आ रहा है ना, फिर यहीं लगा दो कोई नहीं। अच्छा हाँ यहीं लगा दो, नो प्रॉब्लम। पकड़ू सेफ रहेगा ना? चलो कोई नहीं। ये उल्टा लगाया क्या आपने? ना उल्टा ही रहा। अच्छा घूम जाएगा ये क्या? घूम जाएगा ना? हाँ जी भाई सीएनजी बाइक है। सीएनजी वाली है? हाँ एक, हाँ हाँ ब्रदर चल रही है बेहतरीन। क्या चीज़ कितनी चलती है? ये कंपनी तो बोलती है 240। हाँ अच्छा इंजन लगा है, बड़ा इंजन है काफ़ी, 125 सीसी का, लेकिन पावर अच्छी है। सीएनजी पे पेट्रोल पे हल्का फुल्का फर्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पता चलता। ठीक है ब्रदर आगे बहुत है। तो भाई हमारा भी देखो हमने लगवा लिया है ये स्टैंड मोबाइल होल्डर, सॉरी। ठीक है गाइस मोबाइल होल्डर लग गया यार, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत हो रही है हल्की सी, इसका जो सेटिंग है सही नहीं है यार। भाई ₹150 लिए भाई, और सही लगा दिया बंदे ने ₹150 का। लेकिन और देखो यार यही सेम चीज़ सोनिक कंपनी का यही सेम होल्डर ग्रेटर नोएडा में ₹250 का, और इसके पीछे था सेम होल्डर ₹350 का सोनिक कंपनी का, और ये भी सोनिक का है। बट भाई मैंने यहाँ डलवाया है ₹150 का। जहाँ खड़े करता हूँ वहीं लोग आ जाते हैं भाई, बहुत भीड़ लग जाती है यार देखने के लिए बाइक को। एक्चुअली क्या ना दोस्तों, गाड़ी थोड़ी सी यूनिक बनाई है कंपनी वालों ने। ओ भाई साहब ये तो भाई बहुत तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है यार। वीडियो आज की हमारी बहुत लंबी होगी,
और मोबाइल में नहीं है, स्पेस हम कैसे करेंगे सेस। तो भी हम देखो दोस्तों आ गए भाई। ओ भाई आराम से ध्यान से यार, देख के बंदा देख के भाई साहब देख के यार, ब्लॉगिंग को लोग घूर घूर कर देखते हैं पता नहीं क्यों। देख रहे हो गंदगी, देख रहे हो भाई गंदगी, देखो सड़क भी इतनी ख़राब हो रही है यहाँ की हद से ज़्यादा, और गंदगी भी इतनी है हद से ज़्यादा, और स्मेल भी भाई साहब बहुत ही ख़तरनाक वाली आ रही है एकदम, जो हमारी नाक के अंदर के जो बाल होते हैं ना उन्हें भी जला देगी, ऐसी ख़तरनाक स्मेल आ रही है भाई साहब, ऐसी ख़तरनाक स्मेल। ओहो धर्राटे काट रही है ये तो। मैं आ चुका हूँ अभी साउथ एक्सटेंशन भाई, अभी 10:12 हो चुके हैं, तो कहाँ तक अभी गाड़ी चलती है, और अभी हमारी गाड़ी टोटल चल चुकी है 141। दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, मैंने काम भी अभी कर लिया है तकरीबन लगभग 500 रुपये का। ये देखो भाई मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी कैमरे में दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये जो लाइट ब्लिंक कर रही है ना, ये जो भाई ब्लिंक कर रही है, ब्लिंक जब स्टार्ट हुई थी, ये रिफिलिंग CNG लिखा हुआ रहा है, तब हमारी गाड़ी इस पे जब आई है, हमारी गाड़ी चल चुकी है 14-15 किलोमीटर, और जब ये एक पॉइंट जब आया था तब हमारी गाड़ी चलती थी 106 किलोमीटर, और अब ये हमारी गाड़ी देखते हैं ब्लिंक पे जब हमने कहता था 14-15 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, अभी हमारी जब ब्लिंकिंग पे देखते हैं कितनी चलती है गाड़ी हमारी। तो ये अभी लास्ट चल रहा है रिफिलिंग CNG लिखा हुआ रहा, पहले लो CNG लिखा आया था, अब फिर आया था रिफिलिंग CNG। और इसमें एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, इसमें कोई इंजन स्विच का ऑप्शन नहीं आता जैसे कि और भी गाड़ी में पल्सर में यहाँ आता है या किसी में यहाँ आता है, गाड़ी आप खड़ी कर रखिए आपने तो उसको आप ऑफ़ कर दो ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आता है, बट इसमें एक ऑप्शन ये आता है जैसे ही आपने गाड़ी ऐसे रोकी और यहाँ पे लिखा भी आ जाएगा साइड स्टैंड, जब तक वो आप उसको ऊपर नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ऊपर करेंगे लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पर, वो हट जाएगा जो लिखा हुआ होता है, लेकिन अब देखिए मैं कर रहा हूँ ये लिखा आ गया है, तो अगर हम इसको नीचे करेंगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, जब तक ये स्टैंड रहेगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। तो देखिए तो ये बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ था, यहाँ पर कट ऑफ होता था ऑफ़ ऑन ऑफ करने के लिए, इंजन ऑफ ऑन ऑफ करने के लिए, लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन दे दिया है तो वो बेहतर है भाई साहब। गाड़ी चली है मेरी 153 और मैं आ चुका हूँ बटला हाउस के अंदर, यहीं की मुझे पास 3 राइड आई थी, 2 मैंने कैंसिल कर दी थी, बट यार एक बार आ गई थी तो मैंने रिसीव कर ली। तो मैं जा रहा हूँ अभी घर, लास्ट बुकिंग मेरे पास यहाँ तक ही आ गई थी, तो यहाँ से जाने का मेरा फिर अब दिल ही नहीं कर रहा भाई। ये देखो क्योंकि हाँ जी भाई, हाँ जी कैसा परफॉर्मेंस है? बढ़िया बेहतरीन, बढ़िया अरे बेहतरीन। तो भाई हालांकि जान पहचान नहीं है लेकिन इंसान इतने से भाई ही है, पूछ रहे थे कैसी बाइक है क्या बाइक है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी है, तो उन भाई को मैं बता रहा था बाइक के बारे में। अभी गाड़ी चली है मेरी 154 पर किलोमीटर, टाइम हो रहा भाई 11:25 और भाई साहब अभी भी देखो CNG इसमें है और ये ब्लिंक कर रहा है और रिफिलिंग CNG लिखा रहा है। तो मैं इस लॉक करूँगा दोस्तों, कल करूँगा इसको मैं कम्प्लीट। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा था रात में मैं रुक गया था बटला हाउस में, तो रात में आपको दिखाया था 154 चली थी, और अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख रहे हैं अभी गाड़ी चली है मेरी 166.5 ठीक है। टाइम हो रहा है दोस्तों नेक्स्ट डे का 3:59 यानी कि ऑलमोस्ट 4 हैं, और गाइस अभी मेरी गाड़ी देखो चल रही है पेट्रोल पे। तो मैं आपको बता दूं अभी मैंने गाड़ी 2 किलोमीटर चलाई है, तो ऑलमोस्ट लगभग देखा जाए तो 155 किलोमीटर मेरी गाड़ी चली है CNG जो मैंने डलाई थी कल, जो डलाई थी CNG, आज सेकेंड डे है क्योंकि कल CNG ख़त्म नहीं हुई थी तो मैं घर चला गया था आपने जैसे देखा वीडियो में। तो इस चक्कर में दोस्तों मैं बता दूं आपको कि अभी मेरी गाड़ी में CNG ख़त्म हो चुकी थी और ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मैंने गाड़ी एक्स्ट्रा चलाई है, और आप ये देख भी सकते हैं, ये देखिए देख रहे हैं आप। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों मैं अभी पेट्रोल पे गाड़ी चला के लेके जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ CNG पंप पर, और अब देखते हैं गाड़ी में CNG कितने की डलती है ठीक है। बताऊँ तो कितने का मेरा पर लीटर का एवरेज निकला है, तो 156.50 की मैंने कल CNG डलवाई थी और हमारी गाड़ी चली है 155, और दिल्ली से और UP में थोड़े रेट एक्स्ट्रा हैं, 86.50 के आसपास दिल्ली में UP में रेट था, और यहाँ पर भी देखो 75 के आसपास रेट है, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 10 या 11 का पर किलो का फ़र्क है UP और दिल्ली में। तो अगर हम पर किलोमीटर का एवरेज निकालें
तो जो मैंने यूपी में डलवाई थी उस हिसाब से 1 रुपये पर किलोमीटर का एवरेज निकला है। और अगर मैं यही सेम सीएनजी यहां डलवाता तो ऑलमोस्ट मेरे तकरीबन 11 और 9 यानी कि 20 रुपये कम मेरे यहां पे लगते दिल्ली के अंदर। तो अब हम पूरा ऑल ओवर निकालते हैं दिल्ली में। हमारी गाड़ी जो है इसमें चलती तो आता तकरीबन 90 पैसे का, जहाँ तक मेरा हिसाब है 90 या 95 पैसे पर लीटर, सॉरी पर किलोमीटर, ठीक है 90 पैसे पर किलोमीटर, 90 पैसे पर किलोमीटर निकला इसका एवरेज दिल्ली की सीएनजी के हिसाब से। और अगर हम यूपी के हिसाब से निकालें जो मैंने सीएनजी लगाई थी, तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर जो एवरेज निकल के आता है 1 रुपये पर किलोमीटर। तो यार ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैं तो इससे भाई पूरी तरीके से सेटिस्फाई हूँ। तो मैं तो भाई इसको कर सकता हूँ भाई, खुश हूँ मैं इस बात से भी। हम डलवा लेते हैं गाड़ी में सीएनजी, उसके बाद देखते हैं कितने की सीएनजी आती है, यहाँ पर कितना प्रेशर रहता है, ठीक है। पेट्रोल भी ख़त्म है मेरी गाड़ी में। तो ये सामने एक पेट्रोल पम्प है HP का, यहाँ जाता हूँ मैं। और गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि घर में फैमिली में पेट्रोल पर गाड़ी चलाई थी, तो इसमें 50 रुपये का डलवाऊँ मैं पेट्रोल और कराते हैं यहाँ पे CNG फुल। मुझे लग रहा है भाई प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम आ रहा है, शायद ऐसा लग रहा है, तो CNG बहुत कम ही आएगी। नहीं 200 दिखा रहा है शायद, इधर दिखा रहा है 130 प्रेशर और दूसरे में दिखा रहा है 150 प्रेशर। तो देखते हैं भाई कितने की आती है हमारी इस CNG बाइक में CNG। तो करेंगे भाई, देखते हैं। ओ भाई चलो यार जल्दी फटाफट भरो CNG। हाँ 200 प्रेशर है भाई, देखो ये देखो आपको दिख रहा होगा 1.5 लीटर तो भाई आएगी CNG की है। CNG वाला भाई साहब पूछ रहे यहाँ भी खड़े हो भाई, तो मैंने कहा भाई CNG तो ऑटो वाले भी कह रहे CNG की बाइक है, मैंने कहा हाँ भाई CNG की है। देखते हैं भाई चलो क्या होता है यार। इधर लगा दूँ क्या है भैया, इधर लगा दूँ? ठीक सेवेंटी फाइव पॉइंट नाइन पैसे के भाई यहाँ पे CNG रेट है यार। फुल कर दो फुल भाई। यहाँ पे देखो आप, ये CNG है 75.9 रुपीस की। हाँ बढ़िया, 100 का दे देती है। हाँ 1 किलो क्या 2 किलो का इसमें है अगर प्रेशर अच्छा आएगा तो। पता नहीं भाई बंदा भर नहीं रहा है अभी, चाहो उधर का है शायद। नहीं इधर का ही है यार, 75 रुपये 9 पैसे की CNG भाई यहाँ पे। हाँ CNG दोनों से लगाया नहीं, अरे लगा देते यार 1 मिनट में लगती है तो। आज स्टार्ट होगी टाइम लगेगा ना मशीन में। इसमें 100 दुनिया की पहली बाइक है ये CNG की। इसमें यार देखो मुझे एक चीज़ कमी लगी है भाई, देखो बस मैंने कहा ना धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको चीज़। क्या चीज़? सिलेंडर भैया इसके यहाँ से लेके और यहाँ तक है। देखते हैं भाई CNG कितनी आती है हमारी गाड़ी में। देख लो 75.9 पैसे की पर KG CNG है यहाँ पे। ये रिफिल हो रहे हैं, लो लगा दो बस। सेम सिस्टम है गाड़ी जैसे, इसमें सेम गाड़ी जैसा सिस्टम है। देखो कितनी आती है भाई, देखते हैं CNG। रुक गई क्या? जब पैसे में जगह लेती होगी ना, अभी 17 रुपये की होकर रुक गई भाई। आगे चलो, चल गई 1.5 लीटर तो मेरे हिसाब से इसमें आएगी, क्योंकि 200 प्रेशर है तो 1.5 लीटर तो पहुंच ही जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। बस ये कि इसमें एक माइनस पॉइंट है, कम से कम यार 4-5 लीटर तो आनी चाहिए थी CNG, तो मज़ा आ जाता भाई साहब। 1.5 लीटर भाई क्रॉस कर चुकी है, प्रेशर 200 है, 1 किलो
हो गए भाई फुल, 127 रुपये 58 पैसे की आई है, 1 लीटर 699 ग्राम है। हाँ ये लो, अभी ये चलेगी 150, 150 यहाँ चलेगी, हाँ यहाँ चलेगी दिल्ली NCR के अंदर, मैं दिल्ली में चलेगी थोड़ा कम, 130-140। 2 लीटर है अगर प्रेशर अच्छा हो तो, अगर थोड़ा प्रेशर होता होता ना ऊपर थोड़ा सा तो 200 आ जाती। हाँ पेट्रोल पे भी सही है, CNG पे भी सही है। रख लो रख लो रख लो, क्या चीज़ पेट्रोल पे कंपनी बोलती है 66। नहीं वैसे आपने देखा होगा 66 तो नहीं देती होगी, लेकिन सेक्टर दे देगी 45, नहीं 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 50 से ऊपर देगी, 55 के आसपास तो देगी, 50 तो देगी। ये फोर व्हीलर है जैसे आप पेट्रोल पे चलाओगे ना इनको, वो तो कम देती है, 50 रुपये का डलवा लेते हैं पेट्रोल। और मैं एक चीज़ नोटिस करूँ, मैं भाई एक चीज़ नोटिस करता हूँ उसमें यार, भाई हैं हाँ दोनों भैया 50 डाल देना पेट्रोल, नहीं स्टार्ट भी CNG पे ही है। हाँ मैं तो यहाँ दबा दूँ इमरजेंसी के लिए, हालांकि थोड़ा है इसमें भी, थोड़ा ऊपर रखना ठीक है इसको, क्योंकि टेढ़ा है वो, हाँ थोड़ा टेढ़ा है वो, हल्का हल्का एकदम स्लो स्लो सीधा करो, थोड़ा स्लो स्लो डालना ठीक है। 50 रुपये का पेट्रोल बहुत है बस भाई, इमरजेंसी के लिए रख रहा हूँ यार, ताकि कभी दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि बहुत काम आता है ना, आधे लीटर आया बस, बहुत इतना यार 20-25 किलोमीटर चल जाती है इसमें। एक ही 31, हाँ 1,31,000। यहाँ पे मैंने ट्रिप कर ली है 0, ठीक है भाई ट्रिप मैंने कर ली है भाई 0। और अब देखो भाई यहाँ से, अब मैं आपको बता दूं भाई CNG आई है इसमें, आपने मैंने बता दिया आपको CNG कितनी आई है ठीक है, पेट्रोल भी मैंने डलवा लिया है, CNG पे गाड़ी चल रही है। तो भाई अब जो आप सारी चीज़ मैंने आपके सामने बता दिया है, कितने रुपए पर किलोमीटर हमारी गाड़ी का एवरेज निकला है ठीक है जी। तो चलो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी इसकी वो होगी दोस्तों इसके अंदर मैंने क्या छोटी छोटी कमियां हैं, क्या थोड़ी सी बिल्ड क्वालिटी में कहां कहां कमी है, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपकी इसी के ऊपर। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और एटलीस्ट इस वीडियो को शेयर करें जो लोग ये बाइक लेना चाह रहे हैं, ताकि उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाए, जो कौनस हैं प्रोस हैं सारा उनको पता लग जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।